स्वागत है आपका कैड कैम सी ए लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैड कैम सी ए लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। आज हम नेक्स्ट वर्क बेंच स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मल एनालिसिस का, जो होगा स्टेडी स्टेट थर्मल। ओके, इससे पहले हमने स्टैटिक स्ट्रक्चरल मॉडल एंड हार्मोनिक रिस्पांस कवर किया है। ऑलराइट, सो सिमिलर टू दीज वर्क बेंचेस, अब इसमें स्टेडी स्टेट थर्मल में क्या होगा, आप लोग टेम्परेचर एंड हीट फ्लक्स ऐड करके किसी भी बॉडी पे या फिर असेंबली पे थर्मल एनालिसिस कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेडी स्टेट थर्मल इंजीनियरिंग डेटा हम लोग मटेरियल ऐड और सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। ओके, ज्योमेट्री, अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट ज्योमेट्री क्रिएट करना है, सो न्यू डिजाइन मॉडल और ज्योमेट्री, यूनिट्स मिलीमीटर। ओके, एंड अब देखो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर बेस क्रिएट कर रहा हूँ, सो अगेन रेक्टेंगल, इसे डायमेंशनिंग अप्लाई करना है, सो डायमेंशंस, एंड फुल्ली कंस्ट्रेंट करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशंस भी ऐड कर सकते हो। ओके, सो डायमेंशंस में फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 100 बाय 80 का बेस, सो 100 बाय 80, एंड सिमिलर करने के लिए 40 एंड 50 मिडल एक्सिस से डिस्टेंस दिया। ओके, नाउ इसे मैं सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर रहा हूँ, एक्सट्रूड, ऑलराइट, एंड मुझे 10 mm का ही बेस चाहिए, सो 10 mm, एंड इसे फॉर एग्जांपल रिवर्स डायरेक्शन की वक्त, क्योंकि इसके ऊपर मुझे फिन्स भी ऐड करना है। ओके, सो फिन्स नॉर्मल डायरेक्शन में आ जाएगा प्लस जेड, एंड बेस जो है मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स कर दिया यहाँ पे, ऑलराइट, एंड जनरेट। ओके, सो ये एक बेस क्रिएट हुआ। नाउ अगेन मुझे इस बेस पे फिन्स ऐड करना है। ओके, नाउ फिन्स जैसे कि आपने देखा होगा आपके इंजन पे फिन्स होता है। ओके, सो वो आपका हीट ट्रांसफर या फिर हीट डिसिपेशन के लिए यूज होता है। ओके, सिमिलर टू ऐसे बहुत सारे जहां पे आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, हीट डिसिपेशन के लिए आप फिन्स क्रिएट कर सकते हो। नाउ फिन्स में डिफरेंट टाइप्स होता है, सर्कुलर फिन्स, रेक्टेंगुलर फिन्स, ऑलराइट। सो अब इस बेस पे मुझे सर्कुलर फिन्स क्रिएट करना है, सो मैं अगेन एक्स वाई प्लेन पे न्यू स्केच क्रिएट कर रहा हूँ, ऑलराइट, स्केच टू को लुक एट किया, एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्नर में यहाँ पे एक सर्कुलर फिन क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, जिसका फॉर एग्जाम्पल डायमीटर होगा 5 mm का। ओके, अब ये फिन मुझे यहाँ पे कॉपी करने हैं, सो सिंपल हमारे पास एक टूल है कॉपी पेस्ट का भी, सॉरी इसे हमें डिलीट करना पड़ेगा, राइट, एंड सिंगल आ जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट, अब देखो इसे आप सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, राइट, कंट्रोल वी करोगे तो आपके कर्सर पे आ जाएगा, जहां पे आपको चाहिए आप सिंपली इसे ऐसे पेस्ट कर सकते हो। ओके, 3D में अगेन पैटर्निंग भी आता है, बट यहाँ पे मैं स्केचेस ही डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ, सो सिंपल कॉपी पेस्ट। अब सेकंड डायरेक्शन में एक 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 करने का जरूरत नहीं है, आपको ऑल सिलेक्ट करना है, सो सिंपली यहाँ पे साइड में क्लिक कीजिए, एंड आपका जैसे ही क्लिक ऑन होगा इस पे ओनली कर्सर मूव कीजिए, जिस पे कर्सर मूव हो रहा है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके आप पेस्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट, ऑलराइट, एंड अब पेस्ट करना है, सो सेकंड डायरेक्शन में ऑल सर्कल्स एक साथ पेस्ट हो जाएगा। ओके, सो सिंपल कॉपी पेस्ट ऑपरेशन यहाँ पे कोई भी डायमेंशन या फिर एक साथ में एक लाइन में ऐसे पेस्ट नहीं कर रहा, जस्ट रैंडमली मैं यहाँ पे पेस्ट करके फिन्स क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, एंड ऑल होने के बाद अब इसको स्केच को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड एक्सट्रूड, अब देखो ये नॉर्मल डायरेक्शन है क्योंकि पहला एक्सट्रूड हमने रिवर्स डायरेक्शन में किया था, सो नॉर्मल डायरेक्शन में फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 35 mm। ओके, एंड जनरेट, तो अब देखो यहाँ पे ये सर्कुलर फिन्स क्रिएट हुआ। ओके, सिमिलर वे में आप रेक्टेंगुलर फिन्स भी क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आता है फिन्स, ऑलराइट। नाउ इस सेकंड एक्सट्रूड को मैंने ऐड मटेरियल किया है, सो यहाँ पे सिंगल बॉडी आ जाएगा। अगर आपको असेंबली चाहिए सो आपको पता है ऐड फ्रोजन करके आप यहाँ पे देखो टोटल 64 बॉडीज आ गया। ओके, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ऐसे फिन्स भी क्रिएट कर सकते हो, ऑलराइट, मुझे एक ही चाहिए, सो सेकेंड एक्सट्रूड को मैं ऐड मटेरियल कर रहा हूँ ताकि सिंगल बॉडी क्रिएट हो जाए यहाँ पे। ओके,
सो ये एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया. नाउ क्लोथ्स, नेक्स्ट मॉडल, ओके, मैश. डायरेक्टली मैं मैश जनरेट कर रहा हूं. सो बाय डिफॉल्ट देखो यहां पे अनस्ट्रक्चर्ड मैशिंग अप्लाई हो जाएगा, मींस आपका जो टेट्राहेड्रॉन्स है वो अप्लाई हो जाएगा. ओके अब देखो यहां पे ये फर्स्ट ऑफ ऑल अनस्ट्रक्चर्ड मैशिंग आ गया. ऑलराइट, सो अभी से स्ट्रक्चर्ड में करना है. आपको पता है कि फॉर एग्जांपल ये जो बॉडी है नीचे वाला एंड ऊपर वाला बॉडी अगर अलग अलग होता तो इसे स्वीप मेथड अप्लाई हो सकता था, राइट. बट ऑटोमेटिकली अगर नहीं हो रहा, सो मैंने बॉडी सिलेक्ट किया ऑटोमेटिक मेथड, यहां पे मैं मल्टीजोन सिलेक्ट कर रहा हूं. ओके, डायरेक्टली अगर आप इसे अपडेट करोगे तो मल्टीजोन में एरर आएगा. ऑलराइट, सो हमें मैनुअल सोर्स टारगेट सिलेक्शन पे जाना है. सोर्स टारगेट सिलेक्शन, मैनुअल सोर्स एंड यहां पे फेसेस सिलेक्ट करना है. ओके, सो फर्स्ट फेस ये रहेगा, सॉरी फेस में फर्स्ट फेस ये रहेगा, सेकेंड फेस ये रहेगा एंड अब देखो थर्ड फेस ऊपर वाला है हमारा. ओके, सो ये ऑल फेसेस सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है. अगर सिमिलर पार्ट्स है आप कोई भी एक फेस, सॉरी इसमें से कोई भी एक फेस सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, मींस वन टू एंड ये जो टॉप फेसेस है सर्कल के, एक फेस सिलेक्ट किया अप्लाई. अब देखो यहाँ पे थ्री फेसेस अप्लाई हो जाएंगे. ओके, मींस ये पार्ट को सेपरेट करना है एंड ऊपर वाले पार्ट को सेपरेट करना है एंड अपडेट. एंड आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड मैशिंग आ गया. ओके, स्टिल ये थोड़ा सा कोर्स मैशिंग है, सो साइजिंग में जाके आप यहाँ से फाइन कर सकते हो. ऑलराइट, अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि कोर्स के लिए ही टाइम लग रहा है. सो अगर आप साइजिंग में और मीडियम फाइन यूज करोगे और ज्यादा टाइम लगेगा मैशिंग के लिए एंड सॉल्व होने के लिए भी. ओके, सो ओनली मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड मैशिंग में कन्वर्ट किया इसे. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप रहेगा. अब देखो स्टेडी स्टेट थर्मल, जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, इससे पहले भी हमने देखा था स्टैटिक मॉडल एंड हार्मोनिक में, यहाँ पे आपका बाउंड्री कंडीशन एड हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेडी स्टेट थर्मल में फर्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर. ओके, इनिशियल टेम्परेचर मीन्स आपका ये जो रूम टेम्परेचर है वो यहाँ पे मेंशन होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट एंसेस में 22 डिग्रीज पे सेट रहेगा. राइट, अगर आपके कंडीशन के हिसाब से आप जहां पे एनालिसिस कर रहे हो आपको चेंज करना है टेम्परेचर, यहां से चेंज कर सकते हो. राइट, नेक्स्ट एनालिसिस सेटिंग्स में अभी तो हमें कुछ चेंज नहीं करना, जब हम लोग ट्रांजिएंट थर्मल करेंगे तब यहाँ पे स्टेप्स एंड ऑल हमें ऐड करना पड़ेगा. ऑलराइट, सो अब देखो स्टेडी स्टेट थर्मल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेम्परेचर ऐड कर रहा हूँ. अब इसमें ज्यादा कुछ बाउंड्री कंडीशंस नहीं होता थर्मल एनालिसिस में. एक तो आप टेम्परेचर ऐड कर सकते हो एवरी पार्ट या एनालिसिस में, जैसे स्टैंडर्ड अर्थ ग्रेविटी होता है वैसे थर्मल में कन्वेक्शन एंड रेडिएशन होता है, क्योंकि कोई भी बॉडी है सो वो कन्वेक्शन एंड रेडिएशन उससे पास होता है. राइट, सो इसलिए यहाँ पे ये दो पैरामीटर्स होता है, जैसे स्टैंडर्ड अर्थ ग्रेविटी स्ट्रक्चरल में आएगा एंड देन हम लोग हीट फ्लक्स या फिर हीट फ्लो, इंटरनल हीट जनरेशन, अगर कोई इंसुलेटेड बॉडी है तो उसे भी अप्लाई कर सकते हैं. सो इतने ही कंडीशंस है हमारे पास. ऑलराइट, नाउ मुझे अप्लाई करना है ये जो फेस है. ऑलराइट, इस पे मैक्सिमम टेम्परेचर है एंड इसमें से इन फिन्स में कैसे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो मुझे चेक करना है. ऑलराइट, सो अगेन अब देखो टेम्परेचर, इस फेस को मैंने सिलेक्ट किया एंड अप्लाई. ऑलराइट, टेम्परेचर फेस को सिलेक्ट करो, अप्लाई. अब देखो यहाँ पे नीचे बाय डिफॉल्ट रूम टेम्परेचर सेट हो जाएगा. सो मुझे रूम टेम्परेचर नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं इंक्रीज कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल 200 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो 200 डिग्रीज का टेम्परेचर है इस फेस पे. ओके, अब यहाँ पे डायरेक्टली आप सॉल्व भी कर सकते हो. ओके, बट अगर कोई बॉडी है सो उसमें कन्वेक्शन रहेगा, उनके फेसेस थ्रू कन्वेक्शन होगा, रेडिएशन होगा. ऑलराइट, सो यहाँ पे अब आपको कन्वेक्शन ऐड करना है. कन्वेक्शन, अब कन्वेक्शन ऑल फेसेस से होगा, सो आप एक एक फेस सिलेक्ट नहीं कर सकते. इसके लिए क्या करना है, जो हमारा बॉक्स सिलेक्ट ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कीजिए, आपका फेस फिल्टर ऑन होना चाहिए एंड टोटल इस बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए. ओके, एंड अप्लाई. अब देखो ऑल फेसेस सिलेक्ट होगा, 132 फेसेस यहाँ पे सिलेक्ट हो गए. ओके, सो आउटर फेसेस जितने भी होंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे. राइट, नाउ कन्वेक्शन में एक तो रहेगा हमारा एम्बियंट टेम्परेचर मींस रूम टेम्परेचर एंड सेकंड रहेगा फिल्म कोएफिशिएंट. ओके, मींस जो कन्वेक्शन हो रहा है वो फिल्म कोएफिशिएंट यहाँ पे हम लोग वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड में अप्लाई करना है. नाउ मोस्टली केसेस में फिल्म कोएफिशिएंट गिवन रहेगा आपको. ओके,
अगर नहीं है सो बाय डिफॉल्ट एनसिस में वैल्यूज होता है, वो भी आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यूज चाहिए, इस पे क्लिक कीजिए, आगे एरो आएगा। ओके, इस एरो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखो एक तो टाइम डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ओके, हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट एनालिसिस कर रहे हैं, सो इम्पोर्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट सिलेक्ट कीजिए यहाँ से। एंड यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट कुछ कन्वेक्शन सैंपल्स है इसमें, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस है नीचे, स्टैग्नेंट एयर, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, स्टैग्नेंट एयर सिंप्लीफाइड केस, वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, अगर वाटर में आपका पार्ट स्टैग्नेंट वाटर सिंप्लीफाइड केस। ओके, नाउ ये कुछ जैसे आपका बाउंड्री कंडीशंस होता है या फिर बाउंडिंग बॉक्स होता है, लाइक आपका पार्ट हॉरिजॉन्टल सिलेंडर में है या फिर वर्टिकल प्लेन्स में है। ऑलराइट, हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सिंप्लीफाइड केस है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर है एंड उसमें हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। सो इसके लिए स्टैग्नेंट एयर सिंप्लीफाइड केस आप यूज कर सकते हो। ओके, एंड ओके कर दो। अब देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेबुलर डेटा आ जाएगा एंड राइट साइड में हमेशा टेबल आता है, जो भी डेटा या फिर रिजल्ट का रहेगा उसमें आप देख सकते हो 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड का कन्वेक्शन कोएफिशिएंट ऐड किया है। ओके, सो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से इम्पोर्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट सिलेक्ट कीजिए, स्टैग्नेंट एयर सिंप्लीफाइड केस एंड ओके, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही अप्लाई हो जाएगा आपका कन्वेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट रेडिएशन, अगेन आपको ऑल फेसेस थ्रू रेडिएशन अप्लाई करना है, सो सिलेक्ट कीजिए अप्लाई, फेसेस सिलेक्ट हो जाएंगे एंड इमिसिविटी आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, नाउ बेसिकली अगर 1 इमिसिविटी है तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है। ओके, तो 1 के नीचे एंड 0 के ऊपर आपको जो भी इमिसिविटी चाहिए वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब देखो बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे 1 ही रहने दे रहा हूँ, एम्बियंट टेम्परेचर सेम रहेगा 22 डिग्रीज का। राइट, एंड सॉल्यूशन को सिलेक्ट करके सॉल्व कीजिए। सो जस्ट हमने इस फेस पे जो सरफेस टेम्परेचर रहेगा वो अप्लाई किया एंड कन्वेक्शन रेडिएशन जो केसेस है आपके एवरी एनालिसिस में ऐड हो गए। ओके, अब सॉल्यूशन में हम लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं, अगेन थर्मल में देखो टेम्परेचर आएगा। अब हम लोगों ने टेम्परेचर यहाँ पे अप्लाई तो किया है, ओके, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो हम लोग रिजल्ट में चेक करेंगे। सो टेम्परेचर, नेक्स्ट हीट फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है एंड हीट फ्लक्स का डायरेक्शन जो रहेगा वो भी हम लोग टोटल हीट फ्लक्स में चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये दो रिजल्ट सिलेक्ट किए एंड अगेन इवेल्युएट ऑल रिजल्ट। अब देखो टेम्परेचर, नो वायर फ्रेम एंड स्मूथ कंटूर सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे। राइट, एंड आपको पता चलेगा, आप देखो यहाँ पे नीचे मैक्सिमम 200 डिग्रीज का टेम्परेचर है एंड ऊपर जैसे जैसे हीट ऊपर जा रहा है 176 का मिनिमम टेम्परेचर है। ओके, एंड इसे अगर आप प्ले करोगे आपको पता चलेगा हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है। ऑलराइट, सो फिन की वजह से आपके पार्ट का टेम्परेचर कम हो जाएगा एंड हीट ऐसे ऊपर डिसिपेट होगा या फिर ट्रांसफर होगा। ऑलराइट, सिमिलरली हीट फ्लक्स भी आप देख सकते हो, मैक्सिमम 68486 वाट पर मीटर स्क्वायर हीट फ्लक्स जनरेट हुए इसमें। ओके, एंड हीट फ्लक्स का भी आप ऐसे सिमुलेशन चेक कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ हीट फ्लक्स का अगर आप वेक्टर यहाँ पे रिजल्ट देखोगे, अब देखो यहाँ पे हमने स्मूथ कंटूर एंड नो वायर फ्रेम सिलेक्ट किया, इसके नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा ग्राफिक्स का जो आपको वेक्टर में रिजल्ट शो करता है ऐसे। ओके, एरोज रहेगा, अब इसमें देखो अगर इसे प्ले कर रहे हो तो आपको एरोज का डायरेक्शन पता चलेगा, हीट फ्लक्स और टेम्परेचर किस डायरेक्शन में पास हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहां से ऐसे ऊपर पास होगा। नाउ इस एरो में बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनमें एरोज फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रहेगा, सेकेंड ऑप्शन अगर किया तो ऑल एरोज का लेंथ सेम हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे देखो रेड एरो का लेंथ एंड ब्लू एरो का लेंथ सेम हो गया। ओके, बट अगर मैंने फर्स्ट सिलेक्ट किया है तो ये क्या करेगा, जो मैक्सिमम रिजल्ट रहेगा आपका, मीन्स रेड हमेशा मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इसे सिलेक्ट करेगा एंड मिनिमम रिजल्ट जो है ब्लू उसका लेंथ अपने आप स्मॉल कर देगा, ये स्मॉलेस्ट लेंथ रहेगा ये लार्जेस्ट लेंथ, तो आपके रिजल्ट के हिसाब से एरो का लेंथ भी चेंज हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड यूनिफॉर्म वेक्टर में आप देख सकते हो आपका रिजल्ट कैसा भी हो एरो लेंथ आपका सेम ही रहेगा। ओके, सो मैंने फर्स्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप एरो जो है उनके लेंथ इंक्रीज कर सकते हो,
ये स्मॉलेस्ट रहेगा, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज कर रहे हो अब देखो एरोज का लेंथ इंक्रीज हो रहा है, या फिर ये वेक्टर्स है इनका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, ओके, एंड देन आप इसे प्ले कर सकते हैं, राइट। अगेन अब देखो इसके आगे जो रहेगा नंबर ऑफ एरोज है, ये बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट एरो आ जाएगा अगर आप सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो, सो इसमें भी एरोज बहुत कम, अब देखो 1-2 एरोज ओनली शो कर रहा है यहाँ पे, ओके। एंड अगर मैंने इसे इंक्रीज किया, अब देखो नंबर ऑफ एरोज इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स उसका जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा जितना नंबर है वो, ओके। सो इस वे में आप क्या कर सकते हो, वेक्टर में भी रिजल्ट्स चेक कर सकते हो, इससे डायरेक्शन पता चलेगा आपको, ओके। एंड अब ये जो है ये लाइन एरोज होता है, ओके, या फिर लाइन वेक्टर्स, अगर सॉलिड वेक्टर्स फील्ड एरोज चाहिए हमें तो उसके आगे ये ऑप्शन होगा सॉलिड फॉर्म, उसे सिलेक्ट कीजिए एंड अब देखो आपका जो एरोज है वो ऐसे फील्ड आएगा वेक्टर्स। नाउ आप लोग इसे प्ले करके चेक कर सकते हो। इसे ऑफ कर रहा हूं मैं, लाइन एरोज चाहिए, जस्ट वेक्टर अगर आप सॉलिड फॉर्म सिलेक्ट कर रहे हो तो इसके लिए थोड़ा सा ये लोड लेगा, ओके, आपका जो सिमुलेशन हो रहा है थोड़ा सा स्लो रन होगा यहाँ पे, राइट। सो अगेन वेक्टर ऑफ कर दिया मैंने, ये आपका नॉर्मल एनालिसिस रहेगा, ओके। सो थर्मल एनालिसिस एकदम बेसिक है, ऐसे ही आप लोग टेम्परेचर, कन्वेक्शन, रेडिएशन ऐड करके टेम्परेचर कैसे फ्लो हो रहा है वो चेक कर सकते हो।